अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स इंटरफेस देखा था बी एन एडिटर ऐप का, और अभी हम सिर्फ एडिटर का इंटरफेस ही डिस्कस कर रहे हैं और सिंगल सिंगल ऑप्शन को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका क्या मतलब है, कौन कौन से फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी रैंडम लग सकती हैं, लेकिन आगे चल के जब हम प्रैक्टिकली एडिट करेंगे और आप सारी चीज़ों को देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन नज़र आ जाएंगी। तो डोंट वरी एट ऑल, आज हम बात करेंगे लेयर्स के अबाउट, लेयर्स क्या होती है और किस तरह से वो काम करते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, उनको देखते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास ये कुछ इस तरह से लेयर्स शो हो रही हैं। देखिए, लेयर्स का काम ये होता है कि आप अपनी जो वीडियो एडिट कर रहे हैं वो लेयर्स के फॉर्म के अंदर होता है। कोई भी एडिटर दुनिया का आप उठा के देख लें, उसके अंदर लेयर्स आपको ज़रूर मिलेंगी। मतलब एक लेयर के ऊपर आपने साउंड ऐड कर लिए, एक पे आपने इफेक्ट ऐड कर लिए, एक पे आपने वीडियो ऐड कर ली, फिर नेक्स्ट के ऊपर आपने फिर वीडियो ऐड कर ली, एक बैकग्राउंड के ऊपर वीडियो ऐड कर ली, एक लेयर के ऊपर फ्रंट एंड के ऊपर आपने वीडियो ऐड कर ली। अक्सर आपको मेरी वीडियोस नज़र आती होंगी कि पूरी वीडियो एडिट इस तरह से है और बैकग्राउंड स्क्रीन रिकॉर्ड चल रही है और सामने मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इस तरह से, जिस तरह से ये वीडियो आप देख पा रहे हो। तो एक बैकग्राउंड लेयर पे ऐड कर ली, एक फ्रंट लेयर के ऊपर ऐड कर ली, और इस तरह से आप किस तरह से कर पाओगे, राइट? तो ये सारे काम लेयर से हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास जो है लेयर्स मौजूद हैं। साउंड आप इस लेयर के अंदर ऐड करोगे, टेक्स्ट ऐड करोगे, उसके अलावा कोई एनिमेशन या वो सारी चीज़ें ऐड करोगे, और वीडियो का यहाँ पे देखिए आप ऐड करोगे। यहाँ पे साउंड है, साउंड को एडजस्ट करना है तो आप इस लेयर का यूज़ करोगे, राइट? तो अब लेयर्स को किस तरह से यूज़ करना है, अब हम यहाँ से कोई भी वीडियो, यहाँ स्टॉक के अंदर हमारे पास वीडियोज मौजूद हैं, राइट क्लिक करके इम्पोर्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप से या मोबाइल से। तो यहाँ से हम, हमारे पास जो ऑलरेडी इम्पोर्ट है उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस लेयर के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास वो वीडियो आ चुकी है। तो इस तरह से ये फर्स्ट लेयर। अब मैं इसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट नज़र आ गए हैं। मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को यहाँ से उठा के इधर देखें इसी लेयर के ऊपर छोड़ दूँगा। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट आ गया, ठीक, और ये हमारे पास टेक्स्ट है। तो इसको मैं अब एडजस्ट कर पाऊंगा, कहीं पे भी लिख पाऊंगा और इसको मैं बिल्कुल इस तरह से एडजस्ट कर सकूंगा। एडजस्ट करने के बाद जैसे मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास कुछ और ऑप्शंस नज़र आ गए। मैं इसके ऊपर मज़ीद एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें इसके ऑप्शंस मेरे सामने शो हो गए, ठीक है। इस टेक्स्ट को मैंने चेंज करना है, इसका मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, ठीक है, तो मैं वो यहाँ से कर पाऊंगा, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका कलर चेंज करना है, कुछ इस तरह से करना है ऐड, तो मैं इस तरह से इसको क्या कर पाऊंगा, एडिट कर पाऊंगा। इसके अलावा इसकी अलाइनमेंट में यहाँ से चेंज कर पाऊंगा। इसके अलावा इसकी ओपेसिटी मुझे कितनी रखनी है वो मैं यहाँ से इसको कम या ज़्यादा कर पाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर मोशन में ऐड करना चाहूँ तो वो देखें यहाँ पर मैं ऐड कर पाऊँगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी ओपेसिटी अगेन यहाँ पे एडिट कर पाऊंगा। तो ये ऑप्शंस आ गए। तो अब हर लेयर के अंदर जब आप चीज़ ऐड करते हो तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखें ये टेक्स्ट वाले पे ऐड किया तो ये और ऑप्शन आए, अगर मैं वीडियो वाले पे क्लिक करूँगा तो ये देखें और ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। थोड़े से ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो अपनी वीडियो के अंदर, उसके मुताबिक ये ऑप्शन चेंज होंगे और आप उसकी सेटिंग्स करोगे, राइट। उसके साथ साथ हमारे पास ये लेयर्स की आपको बात आई होप समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इन वाले ऑप्शंस को, जो हमारे पास नीचे की तरफ ऑप्शन मौजूद हैं, इनको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा जो है इंटरफेस कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम फाइनली एडिट की तरफ जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।